मैं अभी मुंबई पुणे हाईवे के आसपास कहीं पे हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला मेरे को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। टुडे इज 26 जनवरी 2019 एंड द टाइम इज 7:30 AM इन द मॉर्निंग। एंड मैं अभी मेरे घर से निकलने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट लॉन्ग ट्रैवल लॉन्ग टूर का एक है मेरे इलेक्ट्रिक बाइक में, जो कि पूना है। मेरे घर से पूना 180, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ पूना में, वहाँ तक 180 किलोमीटर है। ये सबसे मेरा लॉन्गेस्ट ट्रैवल है अब तक का। लास्ट टाइम मैं 70 किलोमीटर का गया था, जाना आना गया था, लेकिन इस बार 180 किलोमीटर है पूरा। बहुत सारे प्लान्स हैं आगे। चलो शायद मैं गलत वे में आ गया। देखते हैं, यहाँ पे गूगल मैप भी गलत बता रहा है कि मैं कुछ आगे चला गया। लोगों चेक करते हैं। पीछे छूट गया यार, लेफ्ट जाना था। कोई नहीं, आगे से राइट।
सो हाय, अभी मैं करजत के आसपास हूँ और भी 900 के ऊपर किलोमीटर है और आगे सोच रहा हूँ, मेरे एक भाई के घर है, गजन भाई, तो सोच रहा हूँ उधर थोड़ा रह जाऊँ और एक डेढ़ घंटे के बाद निकलूँ। और देखिए प्रॉब्लम हुआ है, मेरा स्टैंड इधर ना ये सबसे बेंड हो गया है क्योंकि ये वजन बहुत ज़्यादा है, बेंड हो गया है और ऐसे यहाँ पे गाड़ियाँ आ रहे हैं। वहाँ पे एक लेक है, ये तो एक पहाड़ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एक डैम जो है शायद, ये है, आगे मिलते हैं। यहाँ पे एक गैरेज है, शायद मेरा कुछ हेल्प हो जाए, मेरा स्टैंड थोड़ा जो टेढ़ा हो गया है, देखते हैं जाके इधर क्या होता है। वो बस एक बाइक का गैरेज था, साइकिल वहाँ पे रिपेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ के एक बंदे ने मेरा हेल्प कर दिया, थैंक यू सो मच यार, मतलब सीरियसली काफ़ी अच्छा हेल्प मुझे मिला, थोड़ा बहुत पैसे लिया मैंने दिया अपने तरफ से, लेकिन हेल्प हो गया मेरा। मैं अभी मुंबई पुणे हाईवे के आसपास कहीं पे हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या। एक अंकल आए और मुझे डांटने लगे, बोले कि यहाँ पे ऐसे शूट करना अलाउ नहीं है, उसके लिए टिकट लगता है। मैंने कहा ठीक है चलो तो टिकट करते हैं फिर, वो उधर नहीं होता मुझे बोलो मैं टिकट करवा दूँ। मैंने कहा ऐसे ठीक है कितना बताओ ना, 50 रुपीज़। तो 50 रुपये सीरियसली, इतना सा मैं थोड़ा सा 10-15 सेकेंड का वीडियो लूँगा और 50 रुपये दूँगा? वो बोले नहीं ऐसा नहीं होता, आपको देना पड़ेगा, अगर लेना है तो देना पड़ेगा नहीं तो नहीं। अरे ठीक है कोई नहीं अंकल, मैं नहीं देता, मैं ऐसे जाता हूँ, मतलब उनको चाहिए होगा मैं भी पैसा, वो मांगते तो मैं देता शायद, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, हम मुझे उसका जो शॉट था, मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन मुझे मैं निकाल लूँगा ऐसा शॉट जो कि मुझे डालना था ब्लॉग में। वो ऐसे मेरे एक्चुअली उस दिन का ये टाइमलाइन है, मैं जिस दिन से जो गया था ब्लॉग मतलब वो ट्रैवलिंग में, राइडिंग में, ठीक है। तो ये रहा वो प्लेस, गूगल मैप से जूम इन करूँगा, राइट ये रहा, ठीक है ये फ्लाइट इधर पड़ा हुआ है प्लेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे खड़ा था, आपको कैसे पता चलेगा नहीं, जो भी हो मैं आपको अभी तो टच करके बताऊँगा, अभी पता चलेगा नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट मतलब सामने के आसपास खड़ा था, ये मुझे मना किया उन्होंने, बट ठीक है कोई नहीं, ले लिया अभी एक शॉट मैंने। अभी कितने रुपये लोगे आपको बताओ। सो गाइज, अभी दिन के 4 बजे और मैं खोपोली से निकल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे एक भाई के घर पे था, 1-2 घंटे रहा उधर, रेस्ट किया और जैसे निकल रहा हूँ, देखते कितने बजे पहुँचते उधर पुणे में।
जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है पुणे जाना मुंबई से। ये जो घाटी है ना खोपोले के बाद, सही खोपोली के बाद बहुत मुश्किल है यार। खाली चढ़ाने ही चढ़ाने यार, मतलब गियर पे नहीं चल रही है, एक्सीलेटर पे नहीं चल रही है, पेडल पे नहीं चल रही है, उसको धक्का मार मार के लेके जाना पड़ रहा है। अभी देखो यहाँ पे है, इधर थक गया। ये रास्ता देख आया अभी, और इतना मुश्किल है, इतना चढ़ान है ना। ये देखो अभी से ऊपर हूँ तो ऐसे दिख रहा है, मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी मुंबई से पुणे का जो प्लान करके, पता नहीं अभी क्या। मुश्किल चाहे जितना भी हो करना तो है ही, फॉर द एनवायरनमेंट। ये फॉर द एनवायरनमेंट क्या है आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि उसके बारे में अब तक कुछ डिटेल में मैंने शेयर नहीं किया किसी को, आगे आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नॉट अगेन यार, फिर से कौन चढ़ेगा पहाड़। आई विश, आई होप कि मतलब ये पहाड़ मतलब इतना चढ़ना ना पड़े यार। मैं और नहीं चढ़ सकता पहाड़ पर, एकदम थक गया है, सीरियसली नहीं चढ़ सकता मैं। थैंक गॉड ये चढ़ना नहीं पड़ा यार, अगर चढ़ता सीरियसली पता नहीं मेरा क्या होता। मतलब एक तो ऊपर से पूरा का पूरा थक गया हूँ, और मुझे ये रोड भी, मैं नया हूँ इधर, कभी आया नहीं था, और इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। थैंक गॉड ये पहाड़ को चढ़ना नहीं पड़ा, जैसे मैं वो घाटी चढ़ा था, खोपोली वाला घाटी। ओके अभी इवनिंग भी हो भी गया है, मैं आपको होटल में मिलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ दिखेगा भी नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये नेक्स्ट डे है, कल 26 था, 27। कल मैं रात को कुछ 9:30 बजे पहुंचा, और कैसे बचा क्या बचा मैं बताता हूँ। मैं जब निकला था उससे पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दिन के 2 बजे पहुँचूंगा पुणे में, फिर 2 बजे के बाद, 2 बजे से नहीं, मैं 1:30 बजे पहुँचा था इधर खोपोली में, उधर रहेगा 4:30 तक। 4:30 से मैं निकला, और मुझे लगा था कि हाँ 4-5 घंटे लगेंगे, मतलब 6:30 यानी कि 4 घंटे लगेंगे, 8:30 तक मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे खंडाला में ना, जो खोपोली के बाद उसके बाद एक चढ़ान है खंडाला रोड, उसमें 2 घंटे लगे, क्योंकि उसका चढ़ान इतना हाई था ना, मेरे बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक बाइक चली ही नहीं, मैं उसको पेडल मारा चला नहीं, वो मतलब कुछ भी नहीं चला, मैं जो लास्ट को धक्का मार मार के लेके जाना पड़ा। और बहुत मैं एकदम थक गया था, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मुझे एक टाइम में लगा कि शायद मैंने गलती कर दी मुंबई टू पुणे जाने के लिए, मतलब जो टूर का प्लान बनाने के लिए। फिर मैं सोच रहा था कि मैं क्विट कर दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं जब रास्ते में आ रहा था, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुलेट में जो राइड करते हैं ना, वैसे बहुत सारे जा रहे थे, अगर सबके सब मुझे अप्रिशिएट करते थे, वैसे थम्स अप करके जा रहे थे, तो वो बात मुझे थोड़ा याद आया, और मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, चाहे कम करें लेकिन करते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, अगर एक बार काम शुरू कर दिया ना तो करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कोई मजे के लिए नहीं किया है काम,
मुझे मतलब खुशी मिलती है, मतलब मज़ा भी आता है इसमें। लेकिन मुझे और भी एक बात है कि मैं कुछ कर रहा हूँ एनवायरनमेंट के लिए, और ये फॉर द एनवायरनमेंट का मैं एक बोला था चीज़, फॉर द एनवायरनमेंट एक करके एक टैगलाइन मैंने बनाया हुआ है, मतलब क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना। और यहाँ पे पहुँचा मैं 9:30 बजे पहुँच गया, और होटल का चेक इन कर लिया। होटल से आधा है को रूम दे दो, कुछ खास नहीं रूम में, फिर देख लो नॉर्मल सा बेड है रूम में, सीधे सब ऐसे मैसअप होके पड़ा हुआ, मैं कुछ भी नहीं किया। और ये बाथरूम है अच्छा है थोड़ा, बाथरूम इतना यानी। और यहाँ पे एक बालकनी है जहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिख रही होगी। मुंबई पुणे का टूर में बहुत दिन से करने की सोच रहा था, और आज फाइनली कर लिया, तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, कल इतने दूर आना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पहली बार पुणे आया हूँ, और पहली बार पुणे जब आया वो मेरे इलेक्ट्रिक साइकिल में आया। इलेक्ट्रिक तो छोड़ो, वो तो 2 घंटा जो मेरा गया, आपको कैसे बताऊँ क्या क्या किया मैंने उस टाइम पे। और ओके आज के लिए ब्लॉग इतना ही, क्योंकि मैं अब तक ना ब्रश किया है ना कुछ खाया है, अभी ब्रश करूँगा खाऊंगा और निकलूंगा थोड़ा पूना घूमेंगे। और आज वाला ब्लॉग पता नहीं यार मतलब कब आएगा, क्योंकि अभी मैं पूना घूम रहा हूँ, फिर रात को शायद देर रात पुणे में रहूँ, और या फिर शायद भाई बोल रहे थे कि तू रात को आ जा, तो मैं शायद खोपली जा सकता हूँ। अगर पूना में रहा आज तो ये वाला ब्लॉग कल आएगा, पर आज वाला ब्लॉग शायद परसों, तो कल जब पुणे से मुंबई जाऊंगा वो शायद उसके नेक्स्ट डे में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बड़ी तेज भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग से मिलने से पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अगर मैं क्योंकि ऐसे बहुत बहुत समय बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के आने वाला हूँ, और कुछ भी रीजन से अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर लो, क्योंकि इतना मेहनत किया है यार, थोड़ा तो लाइक कर लो, एक तो लाइक कर लो। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड